हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजूज वर्ल्ड। में कितना सारा क्रीम है, इसमें से हमने सिर्फ दूध लिया है, क्रीम नहीं लिया है। ये गाय का दूध है और ये काफ़ी क्रीमी दूध है। नज़दीक से देखिए कितना मोटा क्रीम जमा हुआ है। हमने दूध लिया है तो ये फटा जैसा उसका क्रीम लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी मोटा क्रीम है। और ये मोबाइल में भले ही नहीं दिख रहा हो उतना मोटा, लेकिन रियल में ये काफ़ी मोटा क्रीम में है। तो इसमें से हमने लिया है, इसका सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया है। और पैकेट वाला दूध में इतना क्रीम नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्ट उसे उसका छेना बनाइए। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं वो है छेना। ये बिना विनीगर और बिना लेमन का है, विदाउट विनीगर विदाउट लेमन। और ये हमारे घर का ट्रेडिशनल तरीका है। ये हमारे यहाँ बचपन से ही इस तरीके का बनाया जाता है, क्योंकि नींबू में भी एसिड होता है और हम लोग किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम बिना सिरका और बिना नींबू का हमारे यहाँ जो छेना बनता है, उस तरीके से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। पनीर भी हमारे यहाँ इसी तरीके से बनता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है हम आपको बनाकर दिखाएंगे। और छेना का इस्तेमाल बहुत सारी मिठाइयों में किया जाता है, चाहे आपको रसगुल्ला बनाना हो, रसमलाई, चमचम, छेना का जलेबी, या फिर सब्जी बनाना हो आपको छेने का कोफ्ता, तो किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड्स, छेना बनाने के लिए हमने ये गाय का दूध लिया है। ये पहले से उबाला हुआ है और उसका क्रीम हटाया हुआ है, क्योंकि क्रीमी होता है। ये डायरेक्ट गाय का दूध है, पैकेट वाला दूध नहीं है, ये फुल क्रीम होता है, तो इसलिए हमने इसका क्रीम हटा लिया है। अगर पैकेट वाला दूध है तो आप क्रीम के साथ कर सकते हैं। तो इसका छेना बनाने के लिए हम इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे नींबू या कोई भी खट्टापन या विनीगर, ये सब फाड़ने के लिए हम नहीं करेंगे इस्तेमाल। इसे हम दही से फाड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे गैस पर चढ़ाते हैं और इसे गर्म करेंगे। ये गैस पे हमने रख दिया है और ये गर्म हो रहा है। गर्म होने में थोड़ा टाइम लेगा, जितना टाइम लेना चाहिए। हाई फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। ये हमने छोटे कटोरी में 2 टेबल स्पून हमने कट लिया है। ये इनफ होता है। कट अगर आपका ठंडा नहीं है और ताज़ा नहीं है, 1 या 2 दिन का कट है और काफ़ी ठंडा नहीं है, तो ये इतना इनफ होता है। अगर ताज़ा है और ठंडा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लग सकता है। ये हमारा दूध उबल गया है, अब हम इसमें कट ऐड करेंगे। पूरा कट को ऐड नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके कीजिए और उबलने दीजिए, क्योंकि अगर आपका 1 चम्मच में ही हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कट डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये खट्टा नहीं होगा। हमने अभी कट डाला है और ये देखिए हल्का हल्का फटा हुआ है। अभी उबलने देते हैं कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उबलना है और उसके बाद फिर से कट डालेंगे, अगर पूरा फटा हुआ नहीं रहेगा तो। हमने पूरा कट डाल दिया है और ये देखिए ये पूरा कम्प्लीट ही फट चुका है। अब हम इसमें कट और ऐड नहीं करेंगे, ये इनफ है इसके लिए। और ऊपर वाला भी हम नीचे कर देंगे चम्मच की सहायता से। और इसे आपको उबालना नहीं है, ये उबला हुआ मिल्क है, सिर्फ इसे फाड़ना था। और ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह का दिखने लगेगा, पूरा येलो, पूरा पानी दिखने लगेगा इसका, तो समझ जाइए कि आपका छेना बनकर तैयार हो गया है। ज़रा सा भी मिल्क का अंश नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो थोड़ा सा और कट डालिए, ताकि आपका थोड़ा सा छेना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो मिल्क ही रहता है, नहीं तो वो बह जाएगा। छेना का पानी जो है हम निकाल देंगे। इसे ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं करना है, इसे इसके पानी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे छेना कड़ा हो सकता है। तो इसे जल्द हम इसका पानी अलग कर देंगे और छेना को अलग कर देंगे। इसे हमने इस तरह से पानी हटा लिया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे छेना को। और ये इसे हमने इस तरह से रख लिया है, तो इसे क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट नल के ऊपर धोएंगे। नल के ऊपर धोना ज़रूरी है, ताकि अगर दही का खट्टापन है तो वो फट जाए। बस उसी के लिए धोया जाता है।
अगर दही खट्टा नहीं रहता है तो धोने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम धो देते हैं। और ये हमने धो लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया है। तो ये हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है, बिना विनेगर, बिना नींबू का, ये सिर्फ कट से तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी अपने वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।